अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। आज की वीडियो में हम ट्रेलिंग स्लैश और नॉन ट्रेलिंग स्लैश का कंसेप्ट समझेंगे। तो ये कैसी चीज़ है जो SEOs में बहुत ज़्यादा रेयर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये ऐसा इशू है जिसमें गूगल जो है वो पूरे पेज को डुप्लीकेट काउंट करता है और रैंकिंग पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक दफ़ा एक दोस्त की वेबसाइट जो है उसकी 30-40% वेब ट्रैफिक कम हो गई थी ट्रेलिंग स्लैश इशू की वजह से, तो फिक्स करने के बाद वो रिकवर हो गई थी। तो ट्रेलिंग स्लैश बेसिकली होती क्या है? ट्रेलिंग स्लैश बेसिकली होती यह है कि जो आपका यूआरएल है उसके एंड पे जो स्लैश आती है, और जो नॉन ट्रेलिंग होती है उसमें एंड पे स्लैश नहीं आती यूआरएल के। जैसे आप देख सकते हैं कि पहले यूआरएल के एंड पे स्लैश है और दूसरे के एंड पे स्लैश नहीं है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ट्रेलिंग स्लैश के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे कि ट्रेलिंग स्लैश जो है इसमें कोई इतनी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि इस इशू की वजह से गूगल जो है वो आपके पेज को डुप्लीकेट कंसिडर कर सकता है। अगर आपने चेक करना होता है कि आपकी जो नॉन ट्रेलिंग स्लैश है वो ट्रेलिंग स्लैश के ऊपर रिडायरेक्ट करनी चाहिए। तो SEOs इन दोनों स्ट्रक्चर्स में ट्रेलिंग स्लैश का जो है उसे रेकमेंड करते हैं, मतलब जिसके एंड पे स्लैश आती है, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं, जो आम नॉर्मल रीडर्स होते हैं, वो ट्रेलिंग स्लैश वाला यूआरएल ही ओपन करते हैं और उसे ही बैकलिंक देते हैं। और गूगल का इसके बारे में जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आप लोगों के साथ। तो गूगल के मुताबिक जो है इसने जॉन ने 7 एग्जांपल्स दी हैं इधर। तो उसके मुताबिक जो है ट्रेलिंग स्लैश जो है वो होस्ट नेम्स, मतलब जो होम पेज होता है उसके ऊपर मैटर नहीं करती। अब ये देखें, ए जो है वो HTTP है, बी HTTP है, और ए के आखिर पे स्लैश आ रहा है, दूसरे के आखिर पे स्लैश नहीं आ रही, तो वो दोनों सेम है। फिर उसके बाद सी है, HTTPS वाला URL, उसमें पहले स्लैश आ रही है, दूसरे में नहीं स्लैश आ रही, तो सी और डी भी जो है वो भी सेम है। लेकिन उसने ये बात कही है कि जिसमें प्रोटोकॉल यूज़ होते हो, मतलब एक HTTP है, दूसरा HTTPS है, या एक WW है और दूसरा नॉन WW, इस तरह करके जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं उसमें जो है उसमें मैटर करती है। मतलब ए जो है वो सी के इक्वल नहीं हो सकता और बी जो है वो डी के इक्वल नहीं हो सकता, या सी ई के इक्वल। तो ट्रेलिंग स्लैश जो है वो होम पेज पे तो इस तरह हो जाता है, लेकिन जो आगे स्पेसिफिक पाथ या पेजेस होते हैं उनमें मैटर करती है। मतलब होस्ट नेम के लिए इतनी छूट है कि सेम प्रोटोकॉल हो तो मसला नहीं है, लेकिन आगे जो आर्टिकल्स वगैरह हैं उनमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उनमें अगर ये दोनों पेज लोड हो रहे हो तो इसका मतलब यही है कि वो गूगल की नज़र में डुप्लीकेट कंटेंट है। तो इसको अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप जो नॉन ट्रेलिंग स्लैश है उसे आप ट्रेलिंग स्लैश के ऊपर रिडायरेक्ट कर दें। इसके लिए आप डाटा एच एक्सेस फाइल में कोड एंटर कर सकते हैं जो कि आपको गूगल से मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको इसका कंसेप्ट समझा गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम स्क्रीमिंग फ्रॉग के ज़रिए इसका ऑडिट करेंगे और इन इश्यूज़ को भी फिक्स करेंगे। अल्लाह हाफिज़।